हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्र में हम जितने छोटे थे हमारे सपने उतने ही बड़े थे। उस वक्त हम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे। हमारा जिंदगी में कुछ करने का एक बड़ा सपना था, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमें सब कुछ मुश्किल लगने लगा। धीरे धीरे करके हमारे सपने टूटने लगे। ऐसा क्यों हुआ, यही बात समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कुछ बच्चे घर में खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा उनके दादाजी उदास बैठे थे। वे सभी उनके पास गए और पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? दादाजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा, हमें भी आपकी ज़िंदगी के बारे में बताओ। दादाजी ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब मैं तुम सब जितना छोटा था, मेरे सपनों की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं उस वक्त दुनिया बदलने की सोच रखता था। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी। मुझे लगने लगा दुनिया बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। यह सोचकर मैंने अपने सपनों को छोटा कर लिया। मैं सोचने लगा, मैं दुनिया नहीं कम से कम अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। कुछ समय बाद मेरे ऊपर और जिम्मेदारियाँ पड़ी। तब मुझे लगने लगा कि देश बदलना भी बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपने सपनों को और छोटा कर लिया। मैं सोचने लगा, देश नहीं कम से कम मैं अपना परिवार तो बदल ही सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर पाया। अब मैं अपनी मृत्यु के बहुत निकट हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है, काश मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की होती तो मैं इस दुनिया को बदल पाता, साथ ही साथ अपने सपनों को भी पूरा कर पाता। मेरे बदलने से मेरा परिवार बदलता, फिर मेरे आसपास के लोग बदलते और एक दिन पूरी दुनिया बदल जाती। दादाजी की आंखें नम थी और उनके शब्दों में एक दर्द था। उन्होंने बच्चों से कहा, जो गलती मैंने की तुम सब उसे मत करना। कुछ भी बदलने से पहले अपने आप को बदलना। अगर तुमने ऐसा किया तो बाकी सब अपने आप ही बदलता चला जाएगा। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया बदलने से पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बड़ा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। खुद को बदलना कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है, आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।